हेलो, मैं हूं आपका टेक केजे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपके माई कंप्यूटर्स में जो ड्राइव्स हैं इनका साइज़ बढ़ाया गया घटाया कैसे जाता है। जैसे बहुत लोगों के साथ ये होता है कि उनका सी ड्राइव भर जाता है और उनका कंप्यूटर स्लो होने लग जाता है, तो उसको कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। और कई कई लोगों का ड्राइव इतना खाली रह जाता है कि बहुत जगह बच जाती है। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि नया ड्राइव कैसे बना सकते हैं। अब इसमें साइज़ 106 GB बचा हुआ है, इसका हम एक नया ड्राइव भी बना सकते हैं। आपको मैं ये भी सिखाऊंगा। उसके लिए बस एक ही सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है EasyOS पार्टीशन मैनेजर। टेंशन मत ले, मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। ये कुछ 20 MB का सॉफ्टवेयर है जो इजीली वेबसाइट से आपसे डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं ये क्लिक करता हूँ, इस पर लॉन्च एप्लीकेशन दबाना। अभी देखो, मेरी ये हार्ड डिस्क है जिसमें एक सी ड्राइव है और एक डी ड्राइव है और एक ई ड्राइव है। अभी मुझे सी ड्राइव को थोड़ा सा बड़ा करना है क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम है, तो मैं मुझे एक चीज़ करनी पड़ेगी, कोई भी ड्राइव को मुझे छोटा करना पड़ेगा। अभी ये डी ड्राइव में 127 GB की कैपेसिटी है और ये यूज़ 105 GB हो रहा है, तो इसमें थोड़ी सी घटा देता हूँ मैं। इस पे डी ड्राइव पे आप बस राइट क्लिक करें और रीसाइज स्लैश मूव पार्टीशन पे दबाएं, तो ये चीज़ आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा ये बार है इसको राइट साइड ड्रैग करना है, साइड में लेके जाना है। अभी मैंने देखो यहाँ पे 15 GB तक फ्री कर ली है, 15 GB तक फ्री कर ली है। अगर मैं ओके दबाऊंगा तो ये वॉल्यूम लॉक हो जाएगी और यहाँ पे देखेंगे तो एक 15 GB की स्पेस खाली हो गई है। ये खाली स्पेस आप अब सी के साथ जुड़ सकती है इजीली। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस सी पे राइट क्लिक दबाना है और रीसाइज या मूव पार्टीशन पे दबाना है। अब आप देखेंगे यहाँ पे खाली सी स्पेस दिख रही है आपको। अभी मेरा सी का साइज़ है 106 GB। अभी मैं ये राइट साइड ड्रैग करूँगा, अगर देखेंगे आप ये 120 GB हो गया। अब इस पे ओके दबा दे, अभी ये खाली स्पेस इसमें जुड़ जाएगी। देखना, देखो ये अब सी का साइज 120 GB हो गया, अभी ये मैंने सेट कर दिया है। अभी मैं आपको और एक चीज़ सिखाता हूँ नया ड्राइव बनाने के लिए। किसी किसी के कंप्यूटर में कम ड्राइव होते हैं, उनको नया ड्राइव बनाना होता है, तो कुछ नहीं, बहुत ईजी है, पुराने मेथड की तरह ही। इस पर राइट क्लिक दबाए, राइट क्लिक रीसाइज और मूव पार्टीशन पे दबाएं। यहाँ पे लेफ्ट से कहीं से भी ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं राइट से भी ड्रैग करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने कम कर दिया, ये था पहले 232 GB था ये, मैं ये कर देता हूँ 200 GB तक ले आता हूँ। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने 200 GB तक सेट कर दिया और मैंने ओके दबा दिया है। अब यहाँ पे देखेंगे 35 GB की आपको फ्री स्पेस मिल गई है। अब नया ड्राइव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, राइट क्लिक दबाना है और क्रिएट पार्टीशन पे दबा देना। फिर वो ड्राइव किस ना लेटर पे रखना है वो पूछेगा और ओके दबा देना। उसके बाद ये ना अप्लाई दबा देना, फिर यस दबा देना। मैं यस नहीं दबाऊंगा क्योंकि मुझे ये चेंजेस नहीं चाहिए, मेरे को बस आपको सिखाना था। अगर आप यस दबा देंगे और आपका कंप्यूटर फिर रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपको नियरली वो 15 या 20 मिनट से वो प्रोसेस चलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन प्रोसेस है तो टाइम लेगा ये। आप कंप्यूटर को छोड़ दें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, आधे घंटे बाद ये चेंजेस हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी लर्निंग।